छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिले में किसानों के साथ फसल बीमा योजना के तहत धोखा किए जाने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। पूरा मामला बेमित्रा जिले के चंदनु सोसायटी के वीरमपुर गांव का है। सोसायटी के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने शिकायत पर उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल किसानों ने खरीफ फसल के लिए सोसायटी से कर्ज पर खाद बीज के लिए, जिसके लिए उनके खाते से कर्ज और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि काट ली गई, लेकिन सोसायटी ने किसानों को पॉलिसी नहीं दी। इसकी शिकायत किसानों ने सोसायटी के उच्च अधिकारियों से की तो जानकारी मिली कि उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा ही नहीं हुआ है, जिससे नाराज सैकड़ों किसानों ने बेमित्रा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। तो वहीं कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा है कि शिकायत पर उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये सोसाइटी लेवल की बातें हैं और सोसाइटी को अवगत कराया गया है और शीघ्र ही प्रधानमंत्री भुगतान करा दिया है। हम खरीफ के फसल का बीमा नहीं हुआ इसलिए आए सर। कैसे? खरीफ का फसल का बीमा नहीं हुआ है, बैंक में गए थे, सोसाइटी में गए थे तो बीमा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कुछ मिस्टेक है ऐसे करके बोला सामने वाले। और क्या पैसा वैसा कट गया? कर्जा वर्जा सोसाइटी से लिया आपने? सोसाइटी से कर्जा तो लिए हैं लेकिन बीमा नहीं हो पा रहा।